जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री में आज से हम बात करेंगे एरा ऑफ मास नेशनलिज्म के बारे में। बेसिकली 1919 से लेकर 1939 के बीच में किस तरीके से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चला, किस तरीके से हमारा नेशनल मूवमेंट चला, उस सब के बारे में बातचीत करता है ये चैप्टर। और ये हमें पता है कि ये वो दौर है जब गांधी इमर्ज होंगे एज अ प्रोमिनेंट लीडर। तो इस दौर में गांधी जी क्या कामकाज करेंगे, गांधी जी के इर्द गिर्द जो वेरियस लीडर्स हैं वो क्या कामकाज करेंगे, हमारा नेशनल मूवमेंट किस तरीके से चलेगा, उस सब के बारे में अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आज के सेशन में हमें एक बेहद सिंपल सा टॉपिक पढ़ना है। हम बात करेंगे व्हाई नेशनलिस्ट रिसर्जेंस नाउ। ये हमें समझ में आता है कि 1907 के बाद से, सूरत स्प्लिट के बाद से लगभग 1916-17 तक हमारा जो नेशनल मूवमेंट है वो कमज़ोर था, उसका डल फेस चल रहा था। बट 1918-1919 के बाद से ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो एक बार फिर से रिवाइव होगा। इसके रिवाइवल के पीछे के रीजंस क्या रहे, उन सब के बारे में आज अपने को बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुआ तो इन जनरल एशिया और अफ्रीका में जितनी भी यूरोपियन कॉलोनीज थी उनमें नेशनलिस्ट मूवमेंट का एक बार फिर से रिवाइवल देखने को मिला, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ में एक बार फिर से रिसर्जेंस, एक बार फिर से रिवाइवल देखने को मिला। और ये जो दौर है 1919 और उसके बियॉन्ड, इस दौर में हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो एक डिसिसिव टर्न लेगा। और टर्न क्यों लेगा, बिकॉज इमरजेंस होगा मोहनदास करमचंद गांधी का। मोहनदास करमचंद गांधी ट्रू सेंस में हमारे इस इंडियन स्ट्रगल को मासेस तक लेकर जाएंगे। गांधी ट्रू सेंस में इस मूवमेंट को, हमारे को नॉन वायलेंस की तरफ लेके जाएंगे। गांधी जी के बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं कि 1919 आते आते एकदम से ये जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ हैं इनमें रिवाइवल देखने के पीछे के रीजंस क्या थे, इनके रिवाइवल के पीछे के रीजंस क्या थे। पहला रीजन था पोस्ट वॉर इकोनॉमिक हार्डशिप्स। देखो जब वॉर चल रहा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस के ऊपर खूब हैवी टैक्सेस लगाए। वॉर चल रहा था तो इन जनरल जो प्राइजेज हैं वो इंक्रीज हो रहे थे। इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे लोगों को आर्मी के लिए फोर्सफुली रिक्रूट किया, और इस सब की वजह से जो वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे वो परेशान थे। जब वॉर ख़त्म हुआ तो रिसेशन की शुरुआत हो गई, मंदी आने की शुरुआत हो गई। ये जो टैक्सेज हैं इनको घटाया नहीं गया, ये जो प्राइजेज हैं ये और ज़्यादा बढ़ रही थी, और इसकी वजह से जो ये परेशानियाँ हैं ये वॉर के बाद भी कंटिन्यू रहीं। और सिनेरियो ऐसा बन गया कि सोसाइटी का हर एक सेक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट से परेशान था। जैसे इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इन जनरल प्राइजेस बढ़ रहे थे, और दूसरी तरफ रिसेशन की शुरुआत हो गई थी, मंदी की शुरुआत हो गई थी। उसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद होने की कगार पे थी, उनको लॉस हो रहा था। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये यूनाइट हुई और इन्होंने डिमांड करने की शुरुआत करी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स। इन्होंने डिमांड करने की शुरुआत करी गवर्नमेंट एड, इंडस्ट्रीज परेशान हैं। इसके अलावा पीजेंट्री जो है उसके ऊपर हाई टैक्सेशन का बर्डन डाला जा रहा है, उसको पॉवर्टी की तरफ पुश किया जा रहा है, ये पीजेंट्री भी रिटेलिएट करेगी। फिर वर्कर्स और आर्टिसंस जो हैं उनको इन जनरल अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ रहा था। मंदी का दौर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो नहीं रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, और ऊपर से प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये जो वर्कर्स हैं, ये जो आर्टिसंस हैं, ये जो पीजेंट्री है ये परेशान है। सोल्जर्स का अलग केस है। सोल्जर्स जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में लड़के वापस आए थे उनको कंपैरिजन देखने को मिल रहा था। उनको ये देखने को मिल रहा था कि यूरोप में ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लिबर्टी की बात होती है, जहाँ पे फ्रीडम की बात होती है, जहाँ पे डेवलपमेंट की बात होती है, जहाँ पे लोग सरकार के अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं, और दूसरी तरफ हमारी कंट्री है जो कि एक कॉलोनी बना के रखी गई है। तो सोल्जर्स कंपेयर कर रहे थे, और दूसरा ये भी देख रहे थे कि जब वॉर शुरू नहीं हुआ था उससे पहले तक हमारी कंट्री में थोड़ी ज़्यादा लिबर्टी थी, सरकार थोड़ा ज़्यादा बातचीत को सुनती थी। वॉर के बाद से सरकार ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है, और ज़्यादा रिप्रेस कर रही है लोगों को, और ज़्यादा टैक्सेस लगा रही है, और ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रही है। होना उल्टा चाहिए था कि भाई हमने आपकी मदद की है वॉर में तो कुछ कंसेशंस दो, लेकिन हो उल्टा रहा था कि सरकार और ज़्यादा दबा रही थी। फिर एडुकेटेड अर्बन क्लास, जैसे जैसे लोग पढ़ने लगे उनको ये समझ में आने लगा कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या तो है ही, बट जो बड़ी समस्या है वो क्या है कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये हमारे अगेंस्ट में रेसिज्म करती है, ये हमारे अगेंस्ट में भेदभाव करती है। इन सभी समस्याओं की वजह से जितने भी वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे वो परेशान थे, और इस परेशानी के चलते इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम यूनाइट होंगे और अपने नेशनल मूवमेंट को एक बार फिर से रिवाइव करेंगे। दूसरा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ पॉलिटिकल गेन्स फॉर कोऑपरेशन इन द वॉर।
उस टाइम के जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जैसे गांधी, जैसे तिलक, जितने भी अदर नेशनलिस्ट थे, उन सब ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को वॉर में सपोर्ट किया था। और सपोर्ट करने के पीछे का रीज़न क्या था, एक्सपेक्टेशंस क्या थी, कि आज अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लॉयल रहेंगे तो जब वॉर ख़त्म होगा तो हमें कुछ कंसेशंस दिए जाएंगे, हमें कुछ पॉलिटिकल गेंस दिए जाएंगे, हो सकता है कुछ सेंस में सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दी जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ उल्टा, सरकार ने और ज़्यादा ब्रूटली रिप्रेस करने की शुरुआत कर दी। तो ये जितने भी लीडर्स थे, इनको समझ में आ गया कि ये सरकार झुकने वाली नहीं है, अगर इसको झुकाना है तो हमें एक बार फिर से नेशनलिस्ट मूवमेंट को रिवाइव करना ही करना पड़ेगा। इसके अलावा जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जितनी भी अलाइड पावर्स थी, जैसे ब्रिटेन, जैसे फ्रांस, इन सब ने अपनी कॉलोनीज के सपोर्ट के लिए, कि भाई हमें सपोर्ट करो वॉर में, उस सपोर्ट के लिए प्रोमिसेस किए बड़े बड़े। जैसे इन्होंने प्रोमिस किया कि जब वॉर ख़त्म हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, तो हम लेकर आएंगे एरा ऑफ डेमोक्रेसी और आपको एक सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट देंगे, आपके यहाँ पे कुछ सेंस में सेल्फ गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करेंगे। तो कॉलोनीज ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया ब्रिटेन को, अलाइड पावर्स को, इनफैक्ट इंडियन लीडर्स ने भी बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। लेकिन जब वॉर ख़त्म हुआ तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये देखा गया कि उल्टी चीज़ें हो रही हैं। ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस क्या है, इस सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। बेसिकली कहानी ये है कि जब वॉर ख़त्म हुआ तो एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सेवरेस। ये जो ट्रीटी ऑफ सेवरेस है, ये साइन हुई 1920 में, और ये ट्रीटी ऑफ सेवरेस साइन हुई अलाइड पावर्स जो कि जीती थी और सेंट्रल पावर्स के बीच में जो कि हारी थी। सेंट्रल पावर्स में कौन थे, सेंट्रल पावर्स में एक जर्मनी था, दूसरा ऑस्ट्रिया हंगरी था और तीसरा ऑटोमन टर्की था, और अलाइड पावर्स में आपको पता ही है ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए वगैरह थे। ये जो विनिंग पावर्स हैं और जो लूजिंग पावर्स हैं, उनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सेवरेस, और एक पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया। इस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में मैंडेट सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया। अब मैंडेट सिस्टम मोटा मोटा क्या है, कि ये जितनी भी विनिंग पावर्स हैं, इन्होंने लूजिंग पावर्स की जितनी भी कॉलोनीज थी उनको आपस में डिवाइड कर लिया। मैंडेट सिस्टम के थ्रू मैंडेट दे दिया कि ये कॉलोनी आज से आपकी, ये कॉलोनी आज से आपकी, मतलब ये जो लूजिंग पावर्स हैं इनकी कॉलोनीज को छीना गया और आपस में डिवाइड कर लिया गया। अब सोचो, ये जो हमारे इंडियंस हैं, ये जो कॉलोनीज हैं, इनको प्रॉमिस किया जा रहा था एक तरफ कि जब वॉर ख़त्म होगा तो हम डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, जब वॉर ख़त्म होगा तो हम आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट देंगे। लेकिन जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ, जो कॉलोनीज हैं उनको तो छोड़ ही दो, जो लूजिंग पावर्स की कॉलोनीज हैं उनको भी डिवाइड किया जा रहा है आपस में। सोचो, अपनी कॉलोनीज को ये अलाइड पावर्स छोड़ेंगी क्या, ये तो और कॉलोनीज के ऊपर अपना कब्जा एस्टेब्लिश कर रही हैं। और इसकी वजह से जो यंग पॉपुलेशन है ऑल ओवर एशिया, ऑल ओवर अफ्रीका, वो नाराज़ होगी, उसमें गुस्सा आएगा और एक बार फिर से मिलिटेंट नेशनलिज्म में ग्रोथ देखने को मिलेगी। मतलब जो प्रॉमिस किया जा रहा है उसका उल्टा कर रही है अलाइड पावर, उसका उल्टा कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड जाके चीज़ें ख़राब कर रही है ब्रिटेन की गवर्नमेंट। तो इसकी वजह से भी मिलिटेंट नेशनलिज्म में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और एक फाइनल रीज़न, इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। रशियन रिवॉल्यूशन 7 नवंबर 1917 को हुआ। रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो क्लास 9th की NCERT में चैप्टर 2 है, उस चैप्टर 2 में बहुत ढंग से बात की गई है रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। बेसिक आइडिया क्या है, बोल्शेविक पार्टी हुआ करती थी वर्कर्स की, ये जो बोल्शेविक पार्टी है इसने वहाँ का जो रूलर था ज़ार निकोलस, ज़ारिस्ट रिजीम को ओवरथ्रो किया, ज़ार निकोलस को गद्दी से हटाया और पहली सोशलिस्ट स्टेट को एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था सोवियत यूनियन। और इस सोवियत यूनियन की लीडरशिप किसके हाथ में थी, व्लादिमिर लेनिन के हाथ में थी। मतलब आम आदमी ने, वर्कर्स ने राजाशाही को चैलेंज किया, राजाशाही को हटाया और पहली सोशलिस्ट स्टेट को एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था सोवियत यूनियन, और इसके लीडर कौन थे, व्लादिमिर लेनिन। बड़ी बात यह थी कि सोवियत यूनियन ने जितने भी ज़ार के टाइम के इंपीरियलिस्टिक राइट्स थे चाइना के ऊपर और रेस्ट ऑफ द एशिया के ऊपर, उनको रिनाउंस कर दिया, उनको गिव अप कर दिया। बेसिकली जितनी भी एशिया में ज़ार की कॉलोनीज थी उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दे दिया, उनको बोल दिया कि आप अपने हिसाब से अपना गवर्नेंस करो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम आज से आपको कॉलोनी कंसिडर करते नहीं हैं। सोचो, इससे पॉजिटिव मैसेज जाएगा, इंडियंस जो कि पास में ही हैं उनको भी पता चलेगा कि यार राजाशाही को चैलेंज किया जा सकता है, यार कॉलोनीज को फ्री किया जा सकता है, हम फ्री हो सकते हैं, हम लड़ाई लड़ सकते हैं। इसी रशियन रिवॉल्यूशन में एक हुआ अक्टूबर रिवॉल्यूशन, बेसिकली रशियन रिवॉल्यूशन का हिस्सा है। बस हाँ, रशियन रिवॉल्यूशन जो है वो दो फेजेस में मान सकते हो आप। एक तो फरवरी के महीने में रिवॉल्यूशन हुआ जिसको अपन बोल देते हैं फरवरी रिवॉल्यूशन,
और दूसरा फेज इसका अक्टूबर के महीने में शुरू हुआ, इसको अपन बोल देते हैं अक्टूबर रिवोल्यूशन। ये जो अक्टूबर रिवोल्यूशन है इसके बाद अल्टीमेटली जार को ओवरथ्रो कर दिया गया था। ये जो अक्टूबर रिवोल्यूशन है इसका मैसेज ये था कि एक्चुअल में जो पावर है वो लोगों के पास में है, मासेज अगर ट्रू सेंस में ऑर्गेनाइज हो जाएं और यूनाइट हो जाएं तो बड़े से बड़े टायरेंट को, बड़े से बड़े राजाशाही को, बड़े से बड़े पावर को ओवरथ्रो कर सकते हैं। तो ये ब्रिटिशर्स तो बहुत छोटी सी चीज़ हैं, इनको हटाया जा सकता है, इनको ओवरथ्रो किया जा सकता है। और इस बैकड्रॉप में 1919 आते आते हमारे कंट्री में नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ में एक बार फिर से रिवाइवल देखने को मिलेगा, और इसमें एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे मोहनदास करमचंद गांधी, जिनके रोल के बारे में अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे। बहुत इजी सा सेशन था, और आजकल वैसे भी मैं बहुत डेलिब्रेटली छोटे छोटे सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज अब मैं थोड़ा एनालिटिक्स समझने लगा हूँ। पहले मुझे सोशल मीडिया इतना समझ में आता नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा आता है। तो मैंने एनालिटिक्स देखे, लंबा सेशन रिकॉर्ड कर लो भले ही एक घंटे का और भले ही 15-20 मिनट का कर लो, वॉच टाइम जो है वो लगभग सेम रहता है, 4-5-6 मिनट का। तो फिर मुझे लगा कि छोटे सेशंस रिकॉर्ड करना ज़्यादा बेहतर है, तो अपन छोटे सेशंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, देखते रहो। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। जाने से पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।